किशनपुर से डोरिया चैनपुर और असुरा को जोड़ने वाली ये सड़क है और ये मुख्य मार्ग है यहाँ के लिए लाइफलाइन और पूरी तरह से यातायात यहाँ के लिए ठप है और बड़ी मुश्किल से लोग आना जाना करते हैं, आगमन के लिए परेशान है और रोजमर्रा का जो सामान है उसको भी खरीदने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2017 अगस्त में एक विनाशकारी बाढ़ आई थी जिसमें ये सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। यहाँ पर कई पुल पुलिया भी थे और जो पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी ये इस पुल की स्थिति वैसे ही है और किसी तरह का कोई इसमें मरम्मती का कार्य नहीं चला और उसकी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और देख सकते हैं पूरी तरह से कनकई नदी का जो पानी है पूरी तरह से इधर से होकर गुजर रही है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति और भी विकराल हो सकती है। क्या लोग क्या स्थिति तो दयनीय बनी हुई है, हम लोग नजर बनाए हुए हैं क्योंकि और खराब होगी तो हम लोग मदद के लिए तैयार हैं और बाकी कुछ नहीं पूछ सकते हैं। प्रशासन तो हर बार बरसाते में जगता है और इंशाल्लाह जगेंगे इस बार बरसाते में, साल भर तो सोए रहते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई एनडीआर की टीम या कोई यहाँ पर क्या करेगा यार? किशनपुर और डोरिया पावर सब स्टेशन के पास लोगों की क्या जमावड़ा है और इस बार जैसी स्थिति को देखने के लिए आसपास के किशनपुर और आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर भीड़ बना हुआ है, पानी लगातार भर रहा है और देख सकते हैं ये भीड़ है यहाँ पर पानी देखने के लिए सब आए हैं और धीरे धीरे पानी भर रही है। सारे लोग जो है तस्वीरें हैं वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, देख सकते हैं किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर ये सड़क पार कर रहे हैं। ये मुख्य मार्ग का हाल है, बिल्कुल नदी जैसी स्थिति बन गई है और काफी तेज बहाव में लोग पैदल चल करके वहाँ से इस पार आ रहे हैं और काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, मजबूरी है। इस तरह की लगातार जो है जलस्तर बढ़ने से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, देख सकते हैं क्या परेशानी उठा करके जो है यहाँ पर लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। ये मुख्य मार्ग का हाल है, बिशनपुर जाने के लिए लोग किस तरह से इस रास्ते को पार कर रहे हैं। आपको खबर सीमांचल से क्या कुछ घटता है किशनगंज में बाढ़ के दौरान आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे खबर सीमांचल चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पचाधामन से खबर सीमांचल के लिए मुमताज ईरा के साथ मैं शेयर करता हूँ।